हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल द मैथमेटिशियन शो। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी इंट्रेंस एग्ज़ाम, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम या रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग 3 रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है आपके सामने दिख रहा है, यहाँ पर एक सीरीज़ है और इसमें 1 है, नेक्स्ट नंबर 3 है, उसके बाद 5 है, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा ये हम लोग को बताना है। तो ये बहुत ही सिंपल है, 1 है, 3 और 5 है, दैट मीन्स कि ऑड नंबर्स है। तो नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा, नेक्स्ट ऑड नंबर होगा हमारा 7। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, दूसरे क्वेश्चन में ये एक सीरीज़ है, इसमें आप देख सकते हैं कि पहला नंबर है 4, उसके बाद 9, फिर 16, और नेक्स्ट नंबर क्या होगा ये हम लोग को बताना है। तो ये बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर पहला नंबर 2 का स्क्वायर है यानी 4, दूसरा नंबर है 9 जो कि 3 का स्क्वायर है, और उसके बाद है 4 का स्क्वायर 16, तो नेक्स्ट हमारा जो नंबर होगा वो 5 का स्क्वायर होगा जो होगा 25। इसीलिए ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तीसरे क्वेश्चन में यहाँ पे एक सीरीज़ है जिसमें पहला नंबर है 100, दूसरा 400, तीसरा 900, और उसके बाद जो है हम लोगों को चौथा नंबर क्या होगा ये हम लोग को बताना है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है यहाँ पे ये जो नंबर है 100, ये है 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर होता है 100, उसके बाद है दूसरा नंबर 20 का स्क्वायर है, 20 का स्क्वायर 400, और तीसरा नंबर है 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर 900। तो यहाँ पे जो चौथा नंबर जो हम लोगों को फिल करना होगा ब्लैंक स्पेस पे, तो ये होगा 40 का स्क्वायर यानी 1600। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। फ्रेंड्स, आज का जो क्वेश्चन था बहुत ही आसान था। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें।